दोस्तों, केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और आईपीएल के चाहने वाले फैंस के लिए काउंटडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहां पर दोस्तों केवल एक ही दिन बचा है आईपीएल 2024 को स्टार्ट होने में, और टीम केकेआर के लिए भी ऑलमोस्ट 40 एयर के आसपास का समय बचा है जब टीम केकेआर वर्सेस एसआरएच होने वाला है। तो अब से आप सभी के लिए बहुत सारी डिटेल के अंदर बहुत एपिक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, टीम केकेआर के सबसे बड़े चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और अगर आपको भी लगता है कि टीम केकेआर सिर्फ एक टीम नहीं इमोशन है, तो अभी वीडियो अपने 3 दोस्तों को कम से कम शेयर कर दो। आज की वीडियो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो होने वाली है, जहां आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अपना आईपीएल 2024 का सफर शुरू करने से पहले टीम केकेआर के अंदर क्या-क्या वीकनेस है और क्या-क्या उनमें मजबूती है यानी स्ट्रेंथ है। अब यह जानना बेहद जरूरी पड़ जाता है अपनी खासकर खुद की फेवरेट टीम्स को लेकर कि किस पावरफुल परफॉर्मेंस को लेकर वो यहां पर अपने आप को पॉजिटिव समझेंगे, और कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पर टीम केकेआर को खुद को थोड़ा नेगेटिव या फिर संभल कर रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, टीम केकेआर का पहला मुकाबला वर्सेस एसआरएच होने वाला है। कौन कौन ईडन गार्डन्स के ऊपर जा रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा अगर बात करें तो टीम केकेआर और एसआरएच ने आज तक टोटल 25 मुकाबले खेले हैं, दोनों का हेड टू हेड ये है। बट इनका अगर हम रिजल्ट निकालें तो एक तरफा टीम केकेआर 16 यानी 16 मुकाबले जीत चुका है और एसआरएच ओनली 9 केवल 9 मुकाबले यहां पर जीता है। अब देखते हैं कौन सी टीम का यहां पर जो आंकड़ा है ना वो बढ़ता है, क्या टीम केकेआर 16 से 17 पे पहुंच पाती है या फिर डबल फिगर के अंदर 9 मैच जीतकर अब 10वां मुकाबला जीत पाती है एसआरएच। अब टीम केकेआर के लिए आज हम बात करने वाले हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि एसआरएच के लिए भी एक वीडियो नहीं बन सकती है जिसके अंदर उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। बट अगर आप कमेंट करोगे तो उस पे भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे कि टीम केकेआर को किससे डर के रहना चाहिए। अगर बात करें टीम केकेआर की तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीम केकेआर की वीकनेस, उसके बाद हम बात करेंगे टीम केकेआर की स्ट्रेंथ। और बिलीव करना दोस्तों, शायद आपने ये वीकनेस ना ही सोची होगी ना ही आपको पता होगी, और स्ट्रेंथ में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको शायद पता ही नहीं होंगे कि टीम केकेआर इन चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। सो टीम केकेआर का पूरा स्क्वाड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऑलरेडी आप सबको पता होना चाहिए कि टीम केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। बट वहीं अगर बात करें तो टीम केकेआर की वीकनेस के ऊपर अब बात कर लेते हैं। तो टीम केकेआर के लिए आज जितनी भी हमने लिस्ट बनाई है, जितनी भी रिसर्च हमने की है ना, तो उसमें टीम केकेआर के लिए टोटल 4 वीकनेस बाहर निकल कर आई है। तो शुरुआत करते हैं एंड टीम केकेआर की पहली वीकनेस निकल कर आ रही है बॉलिंग को लेकर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा इशू टीम केकेआर के लिए यही होने वाला है। अब कैसे, तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। टीम केकेआर का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ओपनिंग का, बट ये ओपनिंग बैटिंग की नहीं बल्कि बॉलिंग की है। ओपनिंग के अंदर अब ये बात तो तय है कि मिचेल स्टार्क पहला ओवर डालने वाले हैं, बट दूसरा ओवर कौन डालेगा, क्या वो एक स्पिनर होगा, क्या वो एक यहां पर मीडियम पेसर होगा, और क्या यहां पर एक फास्ट बॉलर होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात कर ले तो स्पिन में हमारे पास यहां पर वरुण चक्रवर्ती हैं और नारायण है। पेस के अंदर दोस्तों सकीब हुसैन ने रिसेंटली बहुत इंप्रेस किया है, लेफ्टी चेतन सकारिया है, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा है। बट कंफ्यूजन सभी तरफ से बंधा हुआ है क्योंकि यहां पर मिचेल स्टार्क को भी प्रैक्टिस मुकाबलों में मार पड़ी थी, बट अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो जो डोमेस्टिक प्लेयर है ना उनकी भी जमकर यहां पर दोस्तों पिटाई हुई है। तो स्पिन ट्रैक अब क्योंकि ईडन गार्डन्स के ऊपर है और पहले ही मुकाबले से क्योंकि फेज 2 और फेज 1 में थोड़ा बहुत गैप होने वाला है, तो यह बिलीव किया जा रहा है कि जो पहले मुकाबला ईडन गार्डन्स पे खेला जाएगा तो टीम केकेआर को वहां पिच समझना है, तो वो स्पिन से ट्राई कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके अकॉर्डिंग मिचेल स्टार्क के साथ टीम केकेआर किसको बॉलिंग में ट्राई करेगी। बट टीम केकेआर के लिए सिर्फ बॉलिंग में ओपनिंग ही इशू नहीं है, टीम केकेआर के लिए डेथ बॉलिंग भी एक इशू है, क्योंकि टीम केकेआर की जो डेथ बॉलिंग इकोनॉमी है ना वो टॉप 3 सबसे महंगे जो टीम्स आते हैं ना, जो यहां पर 16 से 20 ओवर के अंदर सबसे ज्यादा रन लुटाते हैं ना, उसके अंदर केकेआर टॉप 3 में है। तो ये एक सबसे बड़ी टीम केकेआर की वीकनेस है जो कि बॉलिंग है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीम केकेआर की जो दूसरी सबसे बड़ा इशू है वो है एक्सपीरियंस। अब दोस्तों ये पॉइंट आप ध्यान रखना क्योंकि ये स्ट्रेंथ के अंदर भी आएगा, बट स्ट्रेंथ के अंदर आपको अलग से इसको समझाएंगे। अब एक्सपीरियंस के अंदर टीम केकेआर में क्या कमजोरी है अगर बात करें ना दोस्तों, तो टीम केकेआर के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे आप मैनेजमेंट की बात कर लो, चाहे प्लेयर्स की बात कर लो, चाहे कैप्टेंसी की वाइज कर लो, अलग अलग बहुत सारे टीमों के कैप्टन, बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे डोमेस्टिक या फिर अलग अलग एरा के कैप्टन, चाहे यहां पर बेंच्ड प्लेयर की बात कर लो, तो कई बार सब अपनी अपनी अगर अकल चलाते हैं ना
गया तो गई भैंस पानी में वाला काम हो जाता है, तो वीकनेस यहां पर भी है। तीसरी वीकनेस टीम केकेआर के पास है इंजरीज। अब ऑलरेडी आप जानते हो कि टीम केकेआर में आंद्रे रसल हैं, मिचेल स्टार्क हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर और कौन है जिसको सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, आंद्रे रसल हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे एस्पेक्ट है कि टीम केकेआर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के अंदर घिर सकता है। श्रेयस अय्यर अभी रिसेंटली मिनिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा स्ट्रेच वगैरह ना करना पड़े। आंद्रे रसल शेप के अंदर लग रहे हैं बट आंद्रे रसल उनका कुछ भरोसा नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए ना तो इंजरीज एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बट ये एक इसको आप कह सकते हो पार्ट टाइम वाली वीकनेस है। और लास्ट वीकनेस आज की लिस्ट में है रिप्लेसमेंट। अभी बात आप जानते हो कि टीम केकेआर में ऑलरेडी कुछ रिप्लेसमेंट हो चुकी है। इंजरीज अगर किसी भी प्लेयर को होती है और वो रूल्ड आउट हो जाते हैं तब टीम केकेआर के पास बेंच प्लेयर बचेंगे, बट इसके पीछे भी डाउट है कि बेंच प्लेयर को भी अगर इंजरी हो गई तब रिप्लेसमेंट टीम केकेआर कहां से लाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी अच्छी अच्छी रिप्लेसमेंट थी या तो टीम केकेआर ने ऑलरेडी मंगा ली है या फिर दूसरी टीमों ने ले ली है। तो टॉप ये थी यहां पर वीकनेस। आपको सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी लगती नीचे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं टीम केकेआर की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो टीम केकेआर का स्ट्रेंथ नंबर वन है एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको पास्ट में बताया था कि वीकनेस के अंदर एक्सपीरियंस अगर इनकी वीकनेस है तो एक्सपीरियंस ही इनका यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और टीम केकेआर को दो बार ट्रॉफी जितवाने वाले यहां पर मनीष पांडे हैं, गौतम गंभीर हैं, तो यार बहुत मजा आने वाला है। और तब के टाइम का साथ भी है सुनील नारायण और आंद्रे रसल का, तो एक्सपीरियंस का अपना एक कमाल है। दूसरा यहां पर प्लस पॉइंट या फिर स्ट्रेंथ टीम केकेआर का है कमबैक्स का। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर का कमबैक है, श्रेयस अय्यर का कमबैक है, इसके अलावा मनीष पांडे का कमबैक है, कुछ मैनेजमेंट के मेंबर्स का भी कमबैक है। तो इयर्स ऑफ कमबैक टीम केकेआर के लिए है और यहां पर माना जा रहा है कि टीम केकेआर एटलीस्ट फाइनल या फिर प्लेऑफ्स तक तो पहुंच जाएगी इस कमबैक के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड तीसरा लिस्ट के अंदर निकल कर आ रहा है यहां पर दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर। अब टीम केकेआर की प्लेइंग 11 इतनी ज्यादा वर्सेटाइल और इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि टीम केकेआर चाहे तो एक स्पिनर खिला सकता है, एक ऑलराउंडर खिला सकता है, एक पावर हिटर खिला सकता है, ओपनर खिला सकता है, पेसर्स खिला सकता है, कोई भी आने दोस्तों भरमार है इंपैक्ट प्लेयर को। कहां से कैसे यूज करना है ये गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित अपने आप दिमाग लगा लेंगे। लिस्ट में अगला जो पॉजिटिव पॉइंट टीम केकेआर के लिए वो है इनकी ओपनिंग। कुछ सालों से ढूंढ रहे ओपनिंग की दिक्कत शायद इस साल सॉल्व हो जाए। वेंकटेश अय्यर और अगर बात करें तो फिल सॉल्ट के रूप में आ रहे ओपनर्स। अगर फिल सॉल्ट जिस तरह के फॉर्म में है ना वो तो कमाल मचा रहे हैं, बट फ्लॉप भी हो जाते हैं तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट उनके गुरबाज से हो जाएगी, जो कि एक अच्छी चॉइस बनती है। तो ओपनिंग भी टीम केकेआर के लिए पूरी तरीके से प्लस है। लिस्ट में अगला जो यहां पर टीम केकेआर का बेनिफिट आता है वो है फिनिशर्स का। तो यहां पर अगर बात करें ना तो टीम केकेआर के पास कमाल के फिनिशर्स हैं, जहां पर रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और बात करें तो रमनदीप सिंह आ जाते हैं। नीचे एड ऑन करें तो मिचेल स्टार्क भी बॉल हिट कर सकते हैं और सुनील नारायण भी हिट कर सकते हैं, बट प्रोबेबली इन तीन के ऊपर ही हम बात करेंगे जो कि यहां पर रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल हैं। तो बेस्ट फिनिश टीम केकेआर के पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका बनता है। वहीं अगर बात करें तो लिस्ट में आज की लिस्ट में टीम केकेआर की स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट में लास्ट पॉइंट निकल कर आता है स्पिनर्स। टीम केकेआर के पास चाहे आप प्लेइंग 11 में बात कर लो, चाहे आप बेंच पर बात कर लो, ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स हैं जो कि आपके पूरे 20 के 20 ओवर करा सकते हैं और एक अच्छी इकोनॉमी से करा सकते हैं, विकेट्स भी ले सकते हैं, प्रेशर भी बना सकते हैं, पेस अटैक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछली बार तो आपने देखा होगा कि यहां पर 12 ओवर स्पिनर्स ही करते थे, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। इस बार हमें और भी स्पिनर देखने को मिलेंगे, जैसे कि अनुकूल रॉय है, नीतीश राणा भी पॉजिटिवली यहां पर बॉलिंग करने की पूरी ट्राई करेंगे, बट ऑलरेडी 4 से 5 स्पिनर्स टीम केकेआर के पास है और वो ट्रिपल टायर को कौन भूल सकता है, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और सुनील नारायण। सो ये है टीम केकेआर की टॉप वीकनेसेस और टॉप स्ट्रेंथ। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर की बेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है और सबसे कमजोर कड़ी क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।